नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जब भी हम किसी के हाथ में चाकू या पिस्टल देखते हैं तो हमें उस इंसान से डर लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि उस चाकू या पिस्टल से हमारी जान ली जा सकती है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन है रशिया और यूएस के बीच में, जहां पे दोनों देशों को ये मालूम है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर दोनों देश डायरेक्टली वॉर में आते हैं तो दोनों एक दूसरे को मैक्सिमम डैमेज पहुंचा सकते हैं। और यही सबसे बड़ा वजह है कि क्यों रशिया और यूएस दोनों किसी थर्ड पार्टी कंट्री का सहारा लेके एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को कमजोर करने का। इनका नाम है आर्मिन पेपरजर और ये राइन मेटल एक बहुत ही बड़ी यूरोपियन कंपनी है, आर्म्स एम्युनेशन बनाती है, उसमें ये सीईओ है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश होता है वेस्टर्न मीडिया में, जहां पे बताया जाता है कि रशिया इनको मारना चाहता था लेकिन ये प्लान किसी भी कारण से सक्सेसफुल नहीं हो सका। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर हमें किसी चीज से बेनिफिट पहुंचता है तो वो चीज सही होता है, और अगर उसी चीज से किसी और को बेनिफिट पहुंचता है तो वो गलत होता है। जहां तक बात किया जाए असैसिनेशन अटेम्प्ट का, तो ऑलमोस्ट दुनिया के सभी देश जिनके अंदर क्षमता है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट करते ही रहते हैं, खास करके उनके ऊपर जिनसे उनको थ्रेट पहुंचता है। और इस काम में रशिया भी काफी आगे है, यूएस भी काफी आगे है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी, क्योंकि यहां पे जो टारगेट था वो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस को सपोर्ट करने वाला था। तो इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो बढ़ चढ़कर इस न्यूज को जगह दे रहे हैं और बता रहे हैं कि रशिया कितना बुरा है। जहां तक बात किया जाए नेटो के बारे में, तो नेटो का फॉर्मेशन होता है 1949 में और ठीक इससे पहले यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन और नेटो का फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो जो दोनों के विचार हैं डायरेक्टली क्लैश करते हैं। तो कहने का मतलब है कि नेटो को बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो यूएसएसआर को काउंटर करने का था। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था वो यूएस को फेवर करता था, वहीं यूएसएसआर के अगेंस्ट था। तो यहां पे कहने का मतलब है कि हर देश यही कोशिश करता है कि वो अपने आप को मजबूत करे और जो अपने दुश्मन है उसको कमजोर करे। दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सवाल आ सकता है कि आखिर में आर्मिन पेपरजर को क्यों टारगेट किया गया था रशियन इंटेलिजेंस या उनके एजेंट्स के द्वारा। तो जर्मनी वो देश है जो बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा, और जहां तक बात किया जाए राइन मेटल कंपनी का जिसमें ये सीईओ है, वो बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा, यानी कि वेपन्स और भी तकरीबन सभी तरीके का जो एम्युनेशन मैन्युफैक्चर होता है इनके कंपनी में, वो सारे चीजों को यूक्रेन को दिया जा रहा। और इनके जो फ्यूचर प्लान है उसके हिसाब से यूक्रेन में अलग अलग जगह पे आर्म्स एम्युनेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को खोला जाएगा या यूनिट को खोला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इसी चीज को आप वेस्टर्न कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि रशिया बहुत ही बुरा है, लेकिन इसी चीज को अगर आप रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसके अपने इंटरेस्ट हैं। और उसके बाद अगर आप चीजों को बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आर्म्स एम्युनेशन बना रहे हैं या कॉन्टिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर इन सब कंपनीज के हथियार नहीं बिकेंगे तो इनके पास फिर फंड्स कहां से आएंगे। तो अगर आप अपने आप को आर्मिन पेपरजर की जगह पे अगर आप रख के देखेंगे और सोचेंगे कि अगर पूरे दुनिया में अगर पीस एंड प्रोस्पेरिटी फैल जाएगी तो ये सारे जो कंपनीज है वो बंद हो जाएंगे। और जहां तक बात किया जाए जर्मनी का या यूएसए का या और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज का, तो इनका जो इकोनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो डायरेक्टली आपका आता है आर्म्स एम्युनेशन से, यानी कि वो डायरेक्टली आता है वॉर से। याद दिला दूं कि ये वही नेटो है जो इराक को इन्वेड किया था और मिडिल ईस्ट को कंप्लीट तरीके से डिस्टर्ब कर दिया था, जहां पे ये बढ़ चढ़कर कहा जा रहा था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर आप उस पूरे एपिसोड को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने के पीछे का वजह था कि किस तरीके से ऑयल को कैप्चर किया जाए और मार्केट को अपने हाथ में लिया जाए। और उस पूरे वॉर के दौरान बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे गए और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं मिला। लेकिन अगर आप पूछें कि जिम्मेदारी किसकी बनती है उस पूरे वॉर में जो इनोसेंट लोग मारे गए, तो वो जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है। तो मोर और लेस हम ये समझने का भूल ना करें कि रशिया बहुत ही बुरा है या अच्छा है। हर देश के अपने इंटरेस्ट हैं, हर देश यही कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से अलग अलग देशों को अपने अपने हिसाब से कंट्रोल करे। आउट ऑफ 100% यूएस पिछले साल लगभग 42% वेपन्स बेचा था, यानी कि कोई देश जो बढ़ चढ़कर वेपन्स भेज रहा, अगर वो देश किसी भी तरीके से ये कहता है कि वो पीस एंड प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करता है, तो वो डायरेक्टली जो उसका एजेंडा है या जो डायरेक्टली उसके एक्शन है उसके अगेंस्ट।
अगेंस्ट है। अगर आप रशिया और यूक्रेन वॉर को पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा कि रशिया अब तक बहुत ही ज्यादा हैवी वेपन्स का यूज नहीं किया है, लेकिन इस पूरे दौरान जो एक टाइप के आर्टिलरी का सबसे अधिक डिमांड है वो है 155 mm आर्टिलरी, और एग्जैक्टली यही 155 mm आर्टिलरी आर्मिन पेपर्जर की कंपनी सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। तो रशिया ये क्यों नहीं चाहेगा कि वो आर्मिन पेपर्जर को असैसिनेट करे या उनको कंट्रोल करे? ये वही यूएस है जब उसने ओसामा बिन लादेन को असैसिनेट किया था तो उस चीज को बढ़ चढ़कर प्रमोट किया था और ये बताया था पूरे दुनिया को कि ओसामा बिन लादेन कितना बड़ा थ्रेट था। लेकिन ये वही अलकायदा है, ओसामा बिन लादेन है या इसके जैसे और भी ग्रुप्स थे जिसको कि पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दिया गया था और इनको एज एन प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस के द्वारा अगेंस्ट यूएसएसआर। तो जो आज बुरा है वो किसी टाइम पे काफी अच्छा था क्योंकि उस वक्त यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज को उनसे सपोर्ट मिल रहा था। और जहां तक बात किया जाए कि जब ये न्यूज पब्लिक डोमेन में आता है कि आर्मिन पेपर्जर को असैसिनेट करने का प्लान बनाया गया था, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 95% लोगों से जो कमेंट लिया गया या जो उनके विचार पूछे गए सभी के सभी इस चीज पे चुप्पी साध के बैठ गए। लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोगों ने एक चीज कहा कि ये जो रशिया कर रहा है ये किसी भी तरीके से सही नहीं कर रहा और यूरोप का जो एटमॉस्फेयर है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा। ध्यान रखें ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। और वहीं अगर बात किया जाए रशिया के बारे में तो रशिया ने अगर इस असैसिनेशन को करने का कोशिश भी किया तो कोई भी देश इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही कहना था रशिया का भी, जहां पे कंप्लीट तरीके से इस रिपोर्ट को मानने से मना कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी देश के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, आर्म्स एम्युनिशन कंपनीज तभी चलते हैं जब दुनिया में वॉर होता रहे। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।